इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। इसमें मैंने 29 फंदे डाले हैं और ये डिजाइन 4 सिलाइयों में बनी है। पहली सिलाई सीधी तरफ, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना। इसी तरह पूरी सिलाई बुनेंगे, एक फंदा ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, इसी तरह पूरी सिलाई बुनेंगे। आखिरी में ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना। दूसरी उल्टी सिलाई, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, दो फंदे एक ऊन सिलाई पर थी और एक फंदा, दोनों एक साथ सीधे बुने, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक धागा जो सिलाई के ऊपर था और एक फंदा, दोनों एक साथ सीधे बुने, एक फंदा उल्टा बुना, दोनों एक साथ, एक सिलाई पर जो ऊन थी और एक सीधा, एक फंदा, दोनों एक साथ सीधे बुने, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, दोनों एक साथ सीधे बुने, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, एक धागा और एक उल्टा फंदा, दोनों एक साथ सीधे बुने, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक धागा सिलाई पे जो था और एक उल्टा फंदा, दोनों एक साथ सीधे बुने। इसी तरह पूरी सिलाई बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक धागा और एक फंदा, दो एक साथ सीधे बुनेंगे। आखिरी में एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की, एक धागा और एक फंदा, दोनों एक साथ सीधे बुने, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना। तीसरी सिलाई सीधी तरफ, पूरी सीधी बुनेंगे, सीधी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे। चौथी सिलाई उल्टी तरफ, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, उल्टी तरफ उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए इस तरह डिजाइन आई है। इन्हीं 4 सिलाइयों को दोहराते हुए ऊपर डिजाइन डालें।